तो ये छोटा सा बच्चा आप देख रहे हैं तिरंगा लेकर, क्या नाम है बेटा आपका? लक्ष्य। लक्ष्य। लक्ष्य कहाँ से स्टार्ट करी थी आपने यात्रा, कौन से गांव से आए हो आप? मैं मैम केडी से आया और नांगल चौधरी से स्टार्ट की थी। साथ में ही हो आप? हाँ। साथ में चल रहे हो, कितने दिन की यात्रा होली? आज हमारी सातवां दिन है। सातवां दिन है, तो बलराज कुंडू जी को कैसे जानते हो आप? मेरा काका पहले कुंडू का फैन था। अच्छा। अब मैं भी होने लगे। फैन हो गया आप भी? हाँ। क्या कुछ बदलाव कर पाओगे आप? हाँ। कौन सी पार्टी से है बलराज कुंडू जी? निर्दलीय है। निर्दलीय है? हाँ। अच्छा, तो अब कौन सी पार्टी बनाएंगे? जन सेवक मंच में। अच्छा, हर चीज का आपको पता है, सब पता है? हाँ। इस यात्रा का क्या उद्देश्य है, क्या चाहते हैं? जो आदमी होते हैं, मैं भी सोए हुए हैं, उनको जगाने के लिए भाई बलराज कुंडू ने यात्रा निकाली है। अच्छा, बीजेपी की सरकार में क्या लगता है आपको, कोई काम हुआ है? बीजेपी की सरकार बहुत टूची है। टूची है? हाँ। अच्छा, किस कारण से टूची लगी? वे ना कोई काम करती, ना कहीं करेगी, और वे ऐसी रहेगी। अच्छा। वे एक बहुत बड़ा धोखा देती है। धोखा देती है? हाँ। अच्छा, कहती कुछ है, करती कुछ है, ये? अच्छा, बलराज कुंडू जी पे पूरा विश्वास है आपको? हाँ। बलराज कुंडू जी से बात हुई थी आपकी? हुई थी। क्या कहा बलराज कुंडू जी ने आपको? बलराज कुंडू हमको रोज चीज खिलाते हैं। चीज खिलाते हैं? हाँ। अच्छा लगता है? हाँ। बलराज कुंडू जी का आशीर्वाद मिलता है जब? हाँ। तो दोस्तों, ये छोटा सा बच्चा जिस तरह से बता रहे हैं कि बीजेपी कुछ नहीं करती है, सातवें दिन से कंटिन्यू यात्रा पे चले हो, आगे भी चलते रहोगे? बदलाव में तो कसर है नहीं भाई, भले काम करने लाग रहा, हंड लाग रहा, बड़ी आदमी है एक नंबर का। अभी गांव गांव घूम रहे हैं साथ में। हाँ। कितना प्यार बलराज कुंडू जी को? बहुत गुणा, हर एक आदमी पार कर। हाँ जी, तो जी कुंडू पर का धर्मात्मा आदमी कोई भी कौन नहीं, इतना दान करनी है महाराज, ना तो आए है ना आए को आगे। तो पूरा विश्वास है कुछ बदलाव होगा 2024 में? बदलाव का बेरा कौन, हमने नहीं बेरा है, इतना दान करनी है ना, तो हमने देखे ना, देखने ना होगा ना, नहीं देखा जी, हमने देखा नहीं है। सौ का सौ बदला होगा। आप कौन से गाँव से आए? सिंहपुरा का रोहतक से। हाँ, तो ना तो आया जिंदगी में नहीं आया होगा, एक बलराज को 50 बलराज बढ़ा के दिखावांगे एक दिन। बीजेपी सरकार से आप कितना खुश है? हाँ जी, रखो अपने विचार, क्या कुछ कहना चाहते हैं जिस तरह से आप बलराज कुंडू के साथ यात्रा में शामिल हुए? हाँ जी, हुए जी। क्या कुछ विचार है आपके, किस तरह से बदलाव आप देख रहे हैं, क्या लगता है बदलाव होगा? तो देख रहे हैं, बलराज कुंडू एक ऐसे आदमी है जो विधायक होने बाद और अपना कंस्ट्रक्शन का काम करते हुए सरकार का विपक्ष में बोलते हैं, ऐसी मत शायद किसी में अभय चौटाला में भी नहीं है। हाँ, जो सरकार का विपक्ष में चला और उसी सरकार में काम कर रहा है। क्या लगता है यात्रा का उद्देश्य क्या बलराज कुंडू जी का? उद्देश्य ये है, जो सरकार की भ्रष्ट नीतियां हैं सर्विस के बारे में, किसानों के बारे में और बेरोजगारी के बारे में, इनके खिलाफ है इसका। तो 2024 में जनसेवक मंच की तरफ से कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं बलराज कुंडू जी या नहीं, किस तरह से, क्या कुछ सुनने में आया? ये तो जी आगे की बात है, देखो हरियाणा कवर करना बहुत बड़ी बात है, और वैसे भगवान का आशीर्वाद हो तो हरियाणा को देश भी बड़ी चीज नहीं है। हाँ, इसलिए उतार सकते हैं, 90-90 क्या मैं आपके कैंडिडेट। कहाँ से आए भाई साहब आप? मैं जी नानोंद हल्का से आया हूँ जी, गुराना गांव से। तो बदलाव क्या लगता है, बदलाव हो पाएगा इस यात्रा से? देखो जी, काफी उम्मीद है जी बदलाव की, बीजेपी से सरकार बिल्कुल परेशान हो चुकी है जी, बिल्कुल हर फील्ड। हाँ जी, यात्रा में चले हुए लोग बुजुर्ग थे, युवा साथी थे और बच्चे थे, सबसे बात की। अब देखते हैं कितना बदलाव बलराज कुंडू के जन जागृति यात्रा लेकर आती है। जय हिंद, जय भारत।